हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर किया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इस वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। और बच्चों, आज हम लोग सिर्फ 2 मिनट में ही इन निगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सिंगुलर नाउन के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बच्चों, प्लूरल नाउन के लिए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, यही रहने वाला है हम लोगों का स्ट्रक्चर और इसी स्ट्रक्चर पर बेस रहेंगे हम लोगों के निगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस को आखिर कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चों, ये तो था स्ट्रक्चर हमारा कि किस तरीके से हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। और आइए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की मदद से हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों, पहला सेंटेंस है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं क्या है? मैं तो है भाई प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं डू नॉट का। तो हम लोग कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे? आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी हाँ बच्चों, सुबह जल्दी उठने को बोला जाता है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है और प्लूरल नाउन है तो हम लोग यूज करेंगे डू नॉट, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब वह तो है बच्चों सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं डज नॉट का। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। जी हाँ बच्चों, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो बच्चों, ये तो था सेंटेंस कि आखिर हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। और बच्चों, कम से कम आपको 10 सेंटेंसेस को इसी अकॉर्डिंग इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है और कमेंट बॉक्स में शो करना है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।